दोस्तों इसे कहते हैं तुर्रा और इसे कैसे बजाते हैं मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसे बजाने के लिए दोस्तों जोर से सांस खींचना होता है, उसके बाद इसको फूंकते हैं। इस तरह से इसे बजाते हैं दोस्तों सभी देवकाम में। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि नवाखाई त्यौहार हमारे गांव में और हमारे परिवार में कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह से मनाते हैं और नवा धान के जो खुशी में उसे मनाते हैं दोस्तों, और हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तरह से मनाया जाता है और इसी को दोस्तों नवाखाई या नवाखानी त्यौहार भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी ले जा रहा हूँ महुआ का पान। दोस्तों अभी मेरे हाथ में महुआ का पान है और अभी इसका दोना बनाने वाला हूँ, और इसमें दोस्तों तेल हरदी भी चढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत देसी जो महुआ का जो मन बनाते हैं उसको भी इसी से चढ़ाते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे महुआ पत्ता का दोना बनाएंगे। दोस्तों उसके बाद दोना बनाने के बाद इसमें तेल हरदी बूढ़ा देव को अर्पित करेंगे दोस्तों। दोस्तों गोंडवाना संस्कृति में महुआ पेड़ का बहुत ही महत्व है, जैसे कि दोस्तों महुआ का पत्ता, महुआ का फूल, महुआ का रस, ये सभी चीज दोस्तों अपने देवी देवता में चढ़ाते हैं। दोस्तों ये है हमारे घर का मंदिर और यहीं हम लोग अभी नवा भात खाने वाले हैं। दोस्तों ये है हमारे घर का डंगनी और बूढ़ा देव की डंगनी कहते हैं। तो दोस्तों इसे अभी हम लोग सजा धजा के अभी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हमें धोना पड़ेगा, उसके बाद कपड़ा वपड़ा लगाएंगे, घुंघरू उंगरू फिट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा दोस्तों। चलो दोस्तों हम अभी अपने गांव के तालाब जा रहे हैं डंगनी को धोने के लिए। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे डंगनी हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ आज एक ही डंगनी को हम लोग सजाएंगे, और यहाँ पे हितेश और कमल डंगनी को धो रहे हैं। तो ये छोटा सा तालाब है दोस्तों हमारे गांव का, और इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण देख सकते हैं कितना लबालब भर गया है। छोटे भाई का दोस्तों ये है डंगनी का क्लस, और आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर आवाज कर रहा है। तो इसे डंगनी के सबसे ऊपर भाग में लगाया जाता है, और कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों डंगनी के सबसे ऊपरी छोर में कलश को स्थापित किया जाता है और इसे अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि यह कलश ऊपर से ना निकल जाए। हाथ मारना था जी, देवता छुपे से आ छुप बुलाना भाई। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये है हमारी हिरोंदी चाची और ये सब्जी सुधार रही हैं, और यहाँ पे आप लोग सभी देख रहे हैं कि बड़ी माँ, चाची माँ सभी लोग यहाँ पे सब्जी वगैरह का काम कर रही है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि खाना अभी बन रहा है। दोस्तों ये जो कटोरी में आप लोग देख रहे हो ये है नए धान का नया चाउर, तो इसी को दोस्तों घर के देवी देवता में चढ़ाते हैं, उसके बाद इसी को नवा भात के रूप में खाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बूढ़ा देव के पास, जो कि दोस्तों वह जंगल, पहाड़ी, नदी आदि स्थानों पर निवास करते हैं, घर में नहीं रहते हैं दोस्तों। तो वहीं हम लोग पूजा पाठ करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे दोस्तों घर। दोस्तों बूढ़ा देव साजा पेड़ पे यहाँ पे निवास करते हैं, और यहाँ सभी लोग यहीं पे आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे पूजा पाठ समाप्त हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पत्ता बांटा जा रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों प्रसाद ग्रहण करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। दोस्तों टाइम हुई उतर वाला। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बूढ़ा देव में घूम जग देने के बाद दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर। और आज से हो गए हैं दोस्तों हम लोग नवा चौक खाए, मतलब नवा हो गए हैं। तो अब घर जा रहे हैं और घर में है वहाँ पूजा पाठ और करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जिस दिन हम लोग नवा पानी खाते हैं उस दिन हमारे परिवार के सभी लोग एक जगह जहाँ पे मंदिर रहता है वहाँ एकत्रित होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह से होता है दोस्तों, और सभी लोग आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सुबह से लेकर शाम तक चलता है यह कार्यक्रम। दोस्तों अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं और यहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद प्रसाद फिर से ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। दोस्तों लाली लगा। लाली दोस्तों इसे कहते हैं तुर्रा, और इसे कैसे बजाते हैं मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसे बजाने के लिए दोस्तों जोर से सांस खींचना होता है, उसके बाद इसको फूंकते हैं। दोस्तों आज के दिन सभी लोग उपास रहते हैं, उसके बाद शाम के समय दोस्तों यहाँ पे अपना उपवास तोड़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अभी पूजा कर रहे हैं। यहाँ है भाभी, काकी, चाची और बड़ी माँ, सभी लोग यहाँ पे आरती करते हैं। और जो देवरानी जेठानी होते हैं तो देवरानी अपने जेठानी का भी यहाँ पे आरती करती है और आशीर्वाद लेती है। तो इस तरह से होता है दोस्तों। दोस्तों नवा चौर के प्रसाद को ग्रहण करके सभी जितने भी छोटे रहते हैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि खीर खाते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग नवा कब खाते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को नवा कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं उसका महत्व आप लोगों को समझना होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।